आगरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आशा संगनियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इनकी कई माह से लंबित चल रही समस्याओं को लेकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में आशाओं ने अपनी 6 मांगों को रखा है। आशाओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पिछला भुगतान कराने की गुहार लगाई है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से। वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बरेन रोड एदमापुर आगरा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रामूनाथ नाहरगढ़ पूर्व सरपंच तहसील सीता मऊ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजू धनगर पेंटर गांव मंगराना तहसील मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओमगिरी गोस्वामी समाज सेवी नाहरगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर धर्मपाल सिंह पूर्व विधायक एदमापुर विधानसभा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। IMIT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हापुड़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरके होटल एंड होम डेकोर हापुड़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशदीप एडवोकेट हापुड़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमेंद्र राजपूत एडवोकेट और सभासद वार्ड नंबर 7 एदमापुर आगरा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अचल सिंह गुर्जर ग्राम प्रधान रसूलपुर खेरागढ़ आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश किराना स्टोर जटई वालों की तरफ से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोविंद सिंह राजपूत ग्राम प्रधान खानपुर खेरागढ़ की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान पूनम देवी पत्नी संजीत वर्मा सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत एरा भदियार उन्नाव की ओर से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह मियागंज ब्लॉक प्रमुख उन्नाव की तरफ से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पवन जैन प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी बैंक नाहरगढ़ की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मोहम्मद इस्माइल खान कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी पूर्वा उन्नाव की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील यादव जिद्दी युवा सपा नेता 86 विधानसभा एतमादपुर आगरा एवं जिला महासचिव यादव महासभा आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आशा संगनियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। कई माह से लंबित समस्याओं को लेकर आशाओं ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन में आशाओं ने अपनी 6 मांगे रखी हैं: गोल्डन कार्ड का भुगतान, हेल्थ विलेज सेंटर, संचारी रोग, मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ाए गए 750 मानदेय और अन्य मांगे हैं। आशाओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पिछला भुगतान अभी तक नहीं किया है। मांग पूरी न होने पर बच्चा सहित स्वास्थ्य विभाग के सामने भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। नगर है और इस उत्तर प्रदेश आशा बहुसंघ जनपद शाखा आगरा की इस संगठन का मैं मुख्य संरक्षक हूँ। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मांग नहीं है, केवल समस्याएं हैं, जो 6 समस्याएं हैं: आयुष्मान गोल्डन कार्ड और 1000 बैलेंस सेंटर का और कोविड-19 संचारी रोग और मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ाए पैसा और TBJSY की 6 मांगों को लेकर के आज ये प्रदर्शन कर रही है। ये 6 मुख्य मांगे हैं, जिन मांगों के लिए ये आई हैं उनका पैसा मिल जाता है तो कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगी। यदि ये पैसा इनका नहीं आता है तो निश्चित तौर पर बता देते हैं कि 14 सितंबर से सभी आशाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी, काम बंद नहीं करेंगी, भूख हड़ताल पर बैठेंगी। बच्चों को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, CMO आवास को घेरने का काम करेंगी। कितने समय से ये समस्या चली आ रही है? समस्या इसमें, जिसमें आयुष्मान गोल्डन कार्ड का पैसा तो जब से शुरू हुआ है उससे अब तक एक पैसा नहीं मिला है इनका, 1000 रुपये नहीं मिला है, 750 रुपये पिछले 2.5 साल से बढ़ा है वो अभी तक नहीं मिला है। शहर की आशा काम करने जाती हैं तो उन पर आई कार्ड नहीं होता है, कैसे मान लेगा आम आदमी की ये आशा है? ये एक आई कार्ड बना के नहीं दे सकते हैं। काम की बात होती है तो काम आशा ही करके लाएगी, ढूंढ करके मरीज को कोविड के को वो ही ढूंढ के लाएगी, और कोविड के नाम पे यदि वो जाएगा कुछ मेडल मिलना होगा तो वो CMO आगरा को मिलेगा, MOIC खंडौली को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी को मिलेगा, वरौली अहिर को मिलेगा, सब जगह मिलेगा। उसका सम्मान और उसका लाभ ये लोग लेंगे और ढूंढने का काम ये आशा करेगी। मर जाए तो कुत्ती बिल्ली की तरह मर जाती है बेचारी। एक तारावती कोविड में काम करते समय मरी लोधई ब्लॉक वरौली अहिर की, जिसके लिए CMO आगरा ने और MOIC बरौली यही ने जो तैनात थे उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया है। उसमें 2 छोटी-छोटी 3 बेटियां हैं जो दर दर भटक रही हैं। क्या आशा वो कोविड में नहीं मरी थी? 50,000 रुपए मान गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री ने दिया था, जिसका आशाओं का जियो आ चुका है, उस जियो के तहत उस आशा का बनता है, इन्हें दिलवाना चाहिए उसको। तारावती लोदई गांव की है, ब्लॉक वरौली अहिर की, जिसके लिए किसी भी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया है। जी, मेरा नाम सुनीता दुबे, जिला मंत्री हूँ। सुनीता जी, यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं तो क्या मांग है आपकी और किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन? हमारी मांग यही है कि हम लोगों का जो पैसा है, जो मिलता है वो भी नहीं सरकार हम लोगों को दे रही है। कोविड-19 में इतना सर्वे कराया जाता है, वो पैसा हम लोगों का कहाँ जाता है? 2 साल से 7.5 से बड़े हुए हैं, अब मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, 3 महीने के वाउचर देते हुए 1 महीने का साल में आ गया, 2 बार मतलब आ जाता है, उसके बाद पैसा नहीं। ज़्यादा आशा कहे तो बजट नहीं है सरकार में, बजट नहीं तो आशा ही का पैसा क्यों रोका जाता है? ये कुर्सी पर जो बड़े अधिकारी बैठे उनकी भी तो तनख्वाह रुक सकती है, इतने छोटे वर्कर काम करने वाले इनके लिए पैसा नहीं, बाकी सबके लिए पैसा है, और पैसा आ रहा कहाँ जा रहा है ये सरकार को क्यों नहीं बताया जा रहा है? आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? तो हम बीवी बच्चे अपने सारे लेके धरना पर बैठेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको लेके बैठेंगे। यानी कि आज से ही हम लोगों का ये प्रण है, ये जवाब सुन लेते हैं CMO साहब का क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम लोग अपना फैसला मतलब बताएंगे, अभी हम लोग नहीं सुना सकते। अवधेश यादव जिला अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय युवा यादव महासभा फिरोजाबाद की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शशि डंगवाल जेस्ट ब्लॉक प्रमुख विकास खंड कोटाबाग नैनीताल और निर्मल डंगवाल सामाजिक कार्यकर्ता विकास खंड कोटाबाग नैनीताल की तरफ से
समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माधव भैया सभासद युवा भाजपा नेता भारतीय जनता पार्टी अहमदपुर विधानसभा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज बघेल मंडल अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा प्रबंधक पीएल पब्लिक स्कूल अहमदपुर आगरा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अचल जैन नेमिनाथ एंड कंपनी अहमदपुर आगरा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिग्विजय सिंह देव सचिव मंडी समिति ज्वालापुर हरिद्वार की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। होटल प्रशांत ग्रांड शिवालिक नगर हरिद्वार की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंकज चौहान सभासद नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर हरिद्वार की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमर शहीद दिनेश सिंह भदौरिया एचपी गैस एजेंसी अहमदपुर आगरा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर महिपाल सिंह अहमदपुर विधानसभा की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारत सिंह डांगी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कायमपुर मैं सभी मंडल के निवासियों को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सभी राष्ट्रभक्तों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कायमपुर मंडल की ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं मुकेश बघेल प्रधान प्रतिनिधि सुरैरा प्रधान संघ अध्यक्ष जिला अहमदपुर प्रबंधक महारानी अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षण संस्थान अहमदपुर की ओर से अहमदपुर विधानसभा के वासियों को स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि कोविड-19 का ध्यान रखते हुए त्योहारों को धूमधाम से मनाएं और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। जय हिंद जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां। मैं प्रहलाद शर्मा ग्राम पंचायत जलारा सरपंच मैं पूरी ग्राम पंचायत जलारा की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं सर्वेश बघेल बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता 86 विधानसभा अहमदपुर आगरा से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और अहमदपुर की जनता से भी अपील करता हूं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। जय भीम जय भारत। दिवस के अवसर पर मेरी सभी नगर वासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं हैं। हम सभी
राष्ट्रीय अवार्ड के पद पर अग्रसर हूँ, यही मेरी कामना है और यही मेरी सभी से अपेक्षा है। मैं पवन सिसोदिया, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अहरन एतमादपुर आगरा। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, रक्षाबंधन जन्माष्टमी की। एवं मैं उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिनकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली। ऐसे वीरों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जेपी यादव, वरिष्ठ सपा नेता, विधानसभा एतमादपुर आगरा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरेंद्र मेहरा, सचिव भाटेरावास की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीषा शर्मा, लेखपाल, तहसील एतमादपुर आगरा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमित सेन, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सवाई एतमादपुर आगरा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रमोद कुशवाहा, ग्राम प्रधान, नगला दूल्हे खां, खेरागढ़ आगरा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र धनगर, जिलाध्यक्ष, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अविनाश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी, नारायणगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव लाल, चौकी प्रभारी, बूढ़ा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दशरथ सिंह चंद्रावत, थाना संयोजक की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बॉबी मोबाइल सेंटर टूंडला की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामलिया मोबाइल व श्री बालाजी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक नापाखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ललिता बैरागी, आशा कार्यकर्ती, रतन पीपलिया तहसील मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज धनगर, तहसील मीडिया प्रभारी, धनगर समाज, रतन पीपलिया, मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रीना ठाकर, सीएच विकासखंड सीतामऊ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।